मस्त मस्त। पत्र लिखा, ये क्या है? कुछ अलग दिख रहा है। पिज्जा पराठा बड़ी मामी। बहुत अच्छा, टेस्टी है। आज नाश्ता कुछ अलग ही बनाया है तुमने। ये मेरी आई की रेसिपी है बड़ी मामी। मैं जब ये नॉर्मल नाश्ता करके बोर हो जाती थी ना, तो मेरे लिए वो ऐसा नाश्ता बनाया करती थी। तो मैंने सोचा कि आप सब लोग भी एक ही तरह का नाश्ता करके बोर हो गए होंगे, इसलिए मैंने ये सब बनाया। सच्ची में पत्रलेखा, बहुत ही अच्छा बनाया पराठा। ये पहले को नहीं बनाया? कहाँ छुपा के रखी थी इतनी स्पेशल रेसिपी? सब लोग तो कहते ही थे ना कि पत्रलेखा अश्विनी से भी ज्यादा अच्छा खाना बनाती है कि नहीं? सच में आज का नाश्ता वाकई बहुत अच्छा है और स्वादिष्ट भी। अब हमारी बहू का हुनर नजर आ रहा है। वाओ, इट्स रियली वेरी टेस्टी। थैंक यू। आज कुछ अलग खा के अच्छा लग रहा है। दैट इज इट। अब पत्रलेखा भाभी, आप भी बैठिए ना। अरे देवी ताई, बिल्कुल सही टाइम पर नींद खुली आपकी। आइए सबके साथ बैठकर नाश्ता कीजिए। क्या हुआ देवी ताई? सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, चलिए ना आप भी बैठ जाइए। सब लोग कहाँ हैं पत्रलेखा? मुझे सही तो दिख ही नहीं रही है। जब तक सही नहीं आएगी ना, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अगर सही नहीं आएगी तो आप भूखी रहेंगी? अरे ऐसे क्यों बोल रही है तू? मैं भूखी क्यों रहूंगी? सही आएगी ना, तब मैं खा लूंगी उसके साथ। मेरी आई ने मुझे सिखाया था कि अन्न का अपमान नहीं करते, है ना आई? देवी ताई, हर किसी के परिवार में ये सीख नहीं दी जाती। देवी आके बैठ और सबके साथ नाश्ता कर, बाद में तुझे दवाई भी खानी है ना। हाँ, ये सही वही का बहाना नहीं चलेगा, समझ ला। चलो ना देवी ताई। देवी हाथ दे। वैसे पत्र लेखा, तुमने सही को नाश्ता करने के लिए कहा तो था ना? हाँ शिवानी मौसी, मैंने खुद सई के कमरे में जाकर उसे सबके साथ नाश्ता करने के लिए बुलाया था, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। अब ऐसा जबरदस्ती तो नहीं बुला सकती ना। और पत्र लिखा, सई ने आने से क्यों मना किया? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सई के बारे में इतना सोचने की जरूरत है। बाकी सबके साथ तुम भी नाश्ता कर ही लो। और पत्र लिखा, सई ने आने से मना क्यों किया? सम्राट, ये बात तुम खुद सही से क्यों नहीं पूछ लेते? लेकिन हाँ, अगर तुम ये पूछ रहे हो कि मुझे क्या लगता है सही नाश्ता करने क्यों नहीं आई, तो शायद वो इसीलिए नहीं आई क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है। नहीं पत्रलेखा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सही थोड़ी परेशान है इसलिए बस। आजकल उसका मन थोड़ा शांत नहीं है, इसी वजह से, और कुछ नहीं। ऐसा क्या हुआ अश्विनी मामी? सही अपने एग्जाम्स वगैरह से परेशान है या फिर विराट और उसके बीच कल जो हुआ उस वजह से? अब मेरा मतलब है कि विराट ने उसे कमरे में बंद कर दिया था इसलिए वो। विराट ने सही को कमरे कक्ष रूम में बंद किया, ये अलग मुद्दा है। मेन मुद्दा यह है कि सई खिड़की से उतरकर भाग गई, है ना? सोनाली, अब तुम फिर से ये सब शुरू मत करो, प्लीज। ओमकार जी, मेरे कहने ना कहने से सच्चाई, ट्रुथ, सच तो नहीं बदल जाएगा ना, है ना? सम्राट, तुम नाश्ता करो ना, देखो ना तुम्हारी बीवी ने कितना बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनाया है, खाओ। ओमी मामा, पत्रलेखा ने ये नाश्ता सिर्फ मेरे लिए नहीं बनाया है, पूरे परिवार के लिए बनाया है। और पूरे परिवार में सही भी तो आती है ना, तो मुझे जानना चाहता हूं कि सही किस बात से अपसेट है। दूर खड़े बैठकर देखने से तो पता नहीं चलेगा ना कि मियां और बीवी के बीच में क्या चल रहा है। वो
वो तो सिर्फ विराट और सई को ही पता होगा कि उनके बीच में क्या चल रहा है। हाँ एक बात तो जरूर है, मैं इतना तो जानती हूँ कि सई अपनी पढ़ाई की वजह से कोई परेशान नहीं है। अश्विनी तुम्हें सब पता है, बस सबके सामने अनजान बनने का नाटक कर रही हो तुम, है ना? वो जंगली मुर्गी तो हर वक्त विराट से लड़ती रहती है, लेकिन इस बार जैसे उसने विराट के ट्रांसफर ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ की है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे विराट एक आईपीएस ऑफिसर है, डिपार्टमेंट में इसका अपना एक रुतबा है, इज्जत है। सही को इसके काम के मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। बड़ी मामी, आज विराट हमारे साथ में है, क्या आप इस बात से खुश नहीं हैं? ये कैसी बात पूछ रहे हो? मेरे बच्चे मेरे पास रहे तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? वही तो बड़ी मामी, सई ने जो कुछ भी किया वो इस परिवार की खुशी के लिए किया। सम्राट, हर चीज की एक हद होती है ना, जो सई को बिल्कुल पता नहीं है। अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई बिना विराट को बताए हुए इसके सीनियर से मिलने की? डीआईजी है वो, इसके बॉस हैं, ये देवी जी के कोई दोस्त नहीं है। ये जब मन किया मुंह उठा के चले गए और कुछ भी बोल दिया। हाँ हाँ ओमी ठीक कह रहा है, सही ने जो किया गलत ही था। आप सब लोग सही की गलतियां निकालने में क्यों तुले हुए हैं? आप ये क्यों सोचते हैं कि सही आखिर डीआईजी सर के पास क्यों गई? मैं अभी भी आप सबके साथ यहीं बैठा हूं, मैं दिख रहा हूं या मैं आप सबको दिखाई भी नहीं देता? कब से एक ही बात सुने जा रहा हूं, विराट का ट्रांसफर कैंसिल हो गया, विराट का ट्रांसफर कैसे कैंसिल हुआ, विराट का ट्रांसफर क्यों कैंसिल हुआ? क्या आप लोग सब इस बारे में बात करना बंद करेंगे? एक बार मैंने और ये बात सुनी ना तो दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे ये बात ना तो करनी है ना तो सुननी है, प्लीज। गुड़ू खा। तो ठीक तो है ना शिवम, बहुत गुस्सा करने लगा है आजकल, पहले तो ऐसा नहीं था। पिछले एक साल से तू सही के साथ ऐसे ही रह रहा है क्या? चिड़चिड़ा, गुस्सा। सम्राट सुनो, दोनों भी शांत रहो, प्लीज शांत रहो। देखो नाश्ते के टेबल पर ये सब चर्चा करने की कोई जरूरत तो है नहीं ना। ठीक है मैं खुद सही के कमरे में जाती हूँ उसके लिए नाश्ता लेकर, ठीक है? आई, सही के लिए कमरे में नाश्ता लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आई आई मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे रुक रुक रुक, थम। तुम्हें पता है पत्रलेखा ने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया आज। चलो 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 नाश्ता करो जल्दी चलो। आई आई एम श्योर पाखी दीदी ने बहुत टेस्टी नाश्ता बनाया होगा, लेकिन मुझे भूख भी नहीं है और मैं कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रही हूँ। अरे झूठी, चलो। अरे झूठ बोलने से पहले ये तो सोच लिया होता ना कि किसके सामने झूठ बोल रही हो। आई हूँ तुम्हारी, सब जानती हूँ मैं, समझी? चलो 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 चलो। मेरा कान, आई दर्द हो रहा है। हाँ तो दर्द होगा, इसलिए तो मैंने पकड़ा है ना कि दर्द हो। इतनी बड़ी हो गई हूँ लेकिन ना बचपना नहीं गया। बैठो। अरे मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है। तुम्हारे पेट में चूहे दौड़ रहा है और उस दौड़ की आवाज मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है, समझी? चलो चुपचाप नाश्ता करो, चलो बहुत अच्छा है। खाओ। कैसे है? काकू मुझे भी खिलाओ ना। अरे खाओ बेटा। पता नहीं अश्विनी वहिनी को सही से क्या लगाव जुड़ाव अटैचमेंट है, कितना सर पे चढ़ा के रखा है इसे। मतलब हम भी हमारी बहुओं से प्यार करते हैं पर ऐसे, लेकिन अश्विनी वहिनी वो तो अपने बहू के आगे अपने बेटे को भी कुछ नहीं मानती। इसी के लाड़ प्यार ने तो इस जंगली मुर्गी को बिगाड़ कर रखा है। काश
मेरा भी नसीब कितना अच्छा होता, मुझे भी मेरी सास ऐसे ही सर पर चढ़ा कर रखती। नसीब नसीब की बात होती है। हो आज अच्छे से खा लेना, कल से गणपति बाप्पा विराजमान होने वाले हैं, तो गणपति बाप्पा को भोग चढ़ाया हुआ ही खाना सबको खाना पड़ेगा, समझी? वहां पे प्रसाद के लिए कोई भी ना नहीं बोलेगा। और सुनो, मैं ना खास मोदक बनाने वाली हूँ तुम गणपति बाप्पा के लिए, तो उसके लिए भी पेट में थोड़ी सी जगह बनाए रखना, ठीक है? और कल से नो बहाना, ठीक है?